नमस्ते। आज मेरे पापा का जन्मदिन है। आगम कुमार निगम जी का बर्थडे है। आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल दिन है। और आज सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई जांच को मंजूरी मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मैं ये दो बातें इसलिए लिंक कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा ने मुझे कुछ देर पहले ऐसी बात कही कि मैं इतना ओवरवेल्म्ड हो गया उनकी इस बात से। कहते हैं कि मैंने और चाचा ने, मतलब मेरे मेरे चाचा ने, पापा के छोटे भाई ने, अशोक कुमार निगम नाम है उनको, तो दोनों भाइयों ने ये बात पहले से तय कर रखी थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुमति दी तो ये लोग चौराहे पे मिठाई बांटेंगे। कैन यू इमेजिन, मेरे पापा और मेरे चाचा, उन्होंने ये डिसाइड कर रखा है कि आज, मतलब सब सीबीआई जांच जब मंजूरी होगी तो वो गरीबों में चौराहे पे जाके मिठाई बांटेंगे। तो पापा आज मिठाई लेने के लिए गए हुए हैं, और वो चार बंगला जो हमारा सिग्नल है घर के पास में मुंबई में, वहाँ वो मिठाई बांटने जा रहे हैं। कमाल है। आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया, जो देश है, और जो लोग जानते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को, वो सब हिल गए थे सुशांत सिंह राजपूत के केस से। और मतलब एक जुट आवाज निकली लोगों की कि इस केस का नतीजा निकलना ही चाहिए। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इस बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन कम से कम ये बात तो है कि जैसे कुछ लोगों पे उंगली उठ रही है, अगर सीबीआई जांच होगी तो अगर वो बरी भी हो जाते हैं तो लोग कम से कम ये शक नहीं करेंगे कि उन्होंने कुछ हथकंडे अपनाए होंगे अपने आप को छुड़वाने के लिए। अगर ये केस मुंबई पुलिस के पास में रहता तो अगर किसी सो कॉल्ड जिस पे दोष दिया जा रहा है, अगर वो छूट भी जाता, वो बरी भी हो जाता, तो लोग इस बात की अटकलें लगाते हैं कि इसने कुछ, इन लोगों ने कुछ जुगाड़ किया है, उसकी वजह से ये बच गए। तो ये एक अच्छी बात है, और मैं सोचूंगा कि मुंबई पुलिस को भी बड़ा खुश होना चाहिए इस बात के लिए, और महाराष्ट्र सरकार को भी खुश होना चाहिए कि कम से कम अब जब उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठेगी, या वो जब इस, मैं बुरी उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, और जब वो छूट जाएंगे तो कम से कम दुनिया ये तो नहीं कहेगी कि तुमने, इन लोगों ने कुछ आपस में किया होगा और इन्होंने सीबीआई की जांच से बचाया और खुद बच गए। तो ये एक तरीके से बड़ी अच्छी बात है सभी के लिए। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, और जो जिन लोगों पे उंगलियां उठाई जा रही हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, ये है कि नहीं? वाकई में आज बहुत खुशी का दिन है हम सब के लिए। मेरी बहन तो सुबह से जुबिलेंट हो रही थी, तिशा निगम। वी ऑल वेरी वेरी हैप्पी, एवरीबडी इज़ वेरी वेरी हैप्पी अबाउट टुडे, एंड आई होप दैट इस बात का, ये तो खैर प्रारंभ है, आगाज़ है, इसका अंत हमको जल्दी ही मिलना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। भाई हुआ क्या? किसी सब, मतलब मैं यहाँ दुबई में हूँ, और चाहे इंडियन हो या पाकिस्तानी हो, या हर कोई इस बात के लिए बड़ा परेशान है कि हमें सुशांत सिंह राजपूत के बारे में असलियत क्यों नहीं मालूम पड़ पा रही। ऐसे क्यों हो रहा है कि लग रहा है कि कुछ छुपाया जा रहा है। सो अच्छी बात, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू फॉर द प्रेयर्स एंड ब्लेसिंग्स फॉर माई फादर, जो आप लोग मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं। थैंक यू, मैं अपने पापा को कन्वे कर लूँगा, और ख़ास तौर से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दो लोगों को, इसमें पूरा बनता है, अर्नब गोस्वामी का और कंगना रनौत का। ये दोनों ना होते, अगर इनका जुनून ना होता, तो ये बात यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सो आई थिंक एवरी वन शुड अप्रिशिएट दी, एक लगन के साथ में अर्नब ने और कंगना ने इस पे काम किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं।